हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडसइंड बैंक में आप जीरो बैलेंस में सेविंग्स अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस में सेविंग्स अकाउंट खोलने के बाद आपको क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगा, सब कुछ प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इंडसइंड बैंक में आप जीरो बैलेंस में सेविंग्स अकाउंट आप कैसे खोल सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस में सेविंग्स अकाउंट कैसे आप खोल सकते हो और यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और इंडसइंड बैंक में एक नया फैसिलिटी है जो आप कोई भी बैंक में आपको नहीं मिलेगा। आप आपका पसंद का आप अकाउंट नंबर आप बना सकते हो। अब जो भी पसंद हो आपको अकाउंट नंबर, ऐसे ही आप बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो पहले आपको जो वेबसाइट में आना होगा उसका नाम है www.indusind.com। इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल पेज है। इस पेज में आना होगा, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है अकाउंट का। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है इंडसइंड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इंडसइंड बैंक का सेविंग्स अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। फंडिंग ऑन फीस में यहाँ पर तीनों यहाँ पर टाइप का आपको अकाउंट आपको मिल जाएगा। पहला जो ऑप्शन है जीरो बैलेंस में आपका अकाउंट होगा, उसके साथ एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। उसके लिए आपको 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस आपको चार्ज यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिए देना होगा, ठीक है। दूसरा जो अकाउंट है इंडसइंड ऑनलाइन सेविंग्स इंस्टेंट फंडिंग, यहाँ पर आपको 20000 रुपये रखना होगा। इसके साथ आपको टाइटेनियम डेबिट कार्ड, उसके साथ 249 रुपीज प्लस टैक्सेस आपको डेबिट कार्ड के लिए चार्ज देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इंडसइंड प्रिविलेज ऑनलाइन अकाउंट, यहाँ पर 10000 रुपीज आपको यहाँ पर रखना होगा अकाउंट में, और टाइटेनियम प्लस डेबिट कार्ड प्लस 249 प्लस टैक्सेस आपको यहाँ पर देना होगा। एलिजिबिलिटी में आया हुआ है तो यहाँ पर आपको इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड आपको होना चाहिए, तभी आप अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पर ऊपर में अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है इस अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है ओपन योर अकाउंट नाउ, यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी मोबाइल नंबर से आप अकाउंट नंबर खोलना चाहते हो वही मोबाइल नंबर दे सकते हो। और मोबाइल नंबर भी आप अकाउंट नंबर आपका रख सकते हो, आप देख सकते हो योर अकाउंट नंबर ये अवेलेबल भी है। मेरा मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर बन जाएगा और इसको अगर चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। तो आपके मुताबिक आप आपका जो अकाउंट नंबर आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं 2019 786786 में यहाँ देखते हुए ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो ये अवेलेबल है अकाउंट नंबर, मेरा ये पसंद का नंबर है। और पहले जो 15 डिजिट रहेगा और उसके बाद ही आपका पसंद का जो नंबर ए रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करते आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई नाउ में क्लिक करना होगा। वेरीफाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नियरेस्ट सिटी या लोकेशन आपको यहाँ पर डालना होगा जो आधार कार्ड में है, ठीक है। वही आप यहाँ पर दीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होगा या आप वर्चुअल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक देके आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी में क्लिक करना होगा। सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी में क्लिक करते आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर अटैच है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक देके कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करते आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, जैसे नाम, फादर्स नेम, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका मेरिटल स्टेटस लिख करना होगा। यहाँ पर आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम देना होगा। आप क्या ऑक्यूपेशन है आपका, आप क्या काम करते हो वो यहाँ पर देना होगा। ऑक्यूपेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका साल भर मंथली आपका इनकम कितना होता है वो भी आपको यहाँ पर ग्रॉस मंथली इनकम को यहाँ डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक तीनों ऑप्शन मिलता है जो आप सब्सिडी का है। आप अगर कोई भी इंडसइंड बैंक के अकाउंट में सब्सिडी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रिसीव डीबीटी दो नंबर पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर टिक करना होगा। अगर रिसीव और कोई बैंक में है उससे आप इंडसइंड बैंक में लेना चाहते हो तो थ्री नंबर ऑप्शन में क्लिक करना होगा। अगर कोई भी आप नहीं लेना चाहते हो, कोई भी फैसिलिटी नहीं लेना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स डालना होगा।
नॉमिनी डिटेल्स में आप कोई आपका फादर का या मदर का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, उसके साथ रिलेशनशिप डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। और आप अगर अकाउंट स्टेटमेंट में नॉमिनी का नेम प्रिंट आउट चाहते हो तो यह पहले वाला बॉक्स में टिक देना होगा, ठीक है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। ये है, ये दोनों जो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए है। तो आप देख सकते हो इसके लिए 20,000 रुपये और आपको 249 प्लस GST मैंने जो पहले बताया था वही यहाँ पर आपको डालना होगा। और प्रीमियम डेबिट कार्ड के लिए आपको भी यहाँ पर जीरो बैलेंस फंडिंग आप देख सकते हो, जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल सकते हो। इसके लिए आपको 1,000 रुपीज़ और GST आपके बैंक अकाउंट में आपको रखना होगा, तभी आप ये अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों अकाउंट में आप नहीं खोलना चाहते हो तो नीचे एक और भी ऑप्शन है, इंडस प्रिविलेज ऑनलाइन। यहाँ पर आपको 10,000 रुपीज प्लस 2049 प्लस GST आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में रखना होगा। अगर ये उठा लोगे तो आपको चार्ज लगेगा, और जीरो बैलेंस में जो है आप ये जो फंडिंग है आप अगर उठा भी लोगे तो अभी आपको चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो भी पसंद है तीनों में से वही अकाउंट में आप अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। और ये अकाउंट से अगर उठाओगे तो आपको यहाँ पर चार्जेस देना होगा। अगर 10,000 रुपये रखते हो, अगर उसको उठा लेते हो तो आपको चार्ज देना होगा। तो मैं पहला वाला जो फंडिंग है इंस्टेंट फंडिंग यही मैं खोलूँगा, यहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर UPI ID चूज करना होगा। आप आपके पसंद का UPI ID यहाँ पर चूज कर सकते हो जो इंडसइंड बैंक का होगा, ठीक है। ये देख सकते हो ये अवेलेबल है, मैंने दिया। तो UPI ID हो गया ICA@IndusInd, ये मेरा UPI ID हो गया है। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन है यूजर नेम, जो भी यूजर नेम रखोगे वही आपको मोबाइल बैंकिंग जब आप खोलोगे आपको यहाँ पर यूजर नेम आपको जरूरत होगी। तो यूजर नेम यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर 6 डिजिट का आप एक MPIN आपको डालना होगा जो आपको मोबाइल बैंकिंग खोलने के लिए काम आएगा। तो 6 डिजिट का आपको पसंद का MPIN यहाँ पर रख लीजिए, आप इसको याद रखना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करते आपका पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगा यहाँ पर, आपका पिक्चर समेत आप सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद फंड योर अकाउंट यहाँ पर ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मुझे मैंने जो चूज किया यहाँ पर 20,000 रुपये प्लस 294 यहाँ पर GST मुझे देना होगा। तो टोटल मेरा यहाँ पर लगेगा 20,294 रुपये। तो ये जो फंडिंग है, फंडिंग मुझे यहाँ पर मैं बाद में भी अकाउंट में डाल सकता हूँ या अभी भी मैं अकाउंट में डाल सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो पे लेटर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो बाद में आप डाल सकते हो। और अभी आप अगर पे करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चूज करना होगा, और आपका जो डेबिट कार्ड और ATM कार्ड का जो किट है वो आपके घर में बाई पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पर 200 रुपये का एक कैशबैक भी आपको यहाँ पर मिलेगा DTH रिचार्ज या बिल पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद पे नाउ में क्लिक करना होगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग और UPI दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन से आप आपके इस न्यू अकाउंट में पैसा आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर UPI ID मुझे डालना होगा। उसके बाद UPI ID में जो नंबर है उस नंबर पे एक मैसेज जाएगा कॉन्फर्मेशन मैसेज करने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। अब देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पर, मेरा अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ पर मेरा रेफरेंस एक नंबर आएगा, इसको आपको नोट डाउन करके रखना होगा। और यहाँ पर भी आप यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन है और डाउनलोड इंडस मोड, आपके मेल पे भी एक मेल आ जाएगा इंडसइंड बैंक्स की तरफ से। इस मेल में आप अगर देखोगे यहाँ पर भी आपको सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपका UPI ID, अमाउंट कितने आपने डाले, सब कुछ आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस मेल में आपको सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे यहाँ पर एक आपका एक PDF फाइल भी दिया हुआ है। इस PDF फाइल में आपका पूरा डिटेल्स जो भी आपने अभी तक डाले अकाउंट खोलने के वक्त, तभी पूरा डिटेल्स यहाँ पर इस PDF फाइल में आ जाएगा। इस PDF फाइल को आपको सेव करके रखना है, और अंत में जाके आपको KYC करा लेना है, और आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड बाई पोस्ट के द्वारा आपके घर में आ जाएगा। तो ऐसे ही इंडसइंड बैंक में आप जीरो बैलेंस में सेविंग्स अकाउंट बहुत आसान और इजी तरीके से खोल सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा मोबाइल बैंकिंग आपको कैसे यूज करना है इंडसइंड बैंक में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।